Assalamualaikum everyone, this is your boy Rehan Iqbal and welcome back to my channel. तो guys, मैंने सोचा कि मैं आज बाहर ही हूँ घर से and बारिश भी स्टार्ट हो गई है. मैं छाते के नीचे हूँ. मैंने सोचा यही से आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल ईद भी है. थोड़ी ईद की स्टार्टिंग शायद आज ही हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही पहला शॉट उठाए. तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा एंड ये व्लॉग भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा. मैं हूँ रोड पे. तो गाइज आज ईद है और हम बाहर जाने वाले हैं कुछ लाने एंड हम कुछ खाएंगे देन घर जाएंगे एंड इंशाल्लाह कल अच्छे से ईद सेलिब्रेट करेंगे. इधर से चलिए. तो गाइज हम पहुंच गए डिपार्टमेंटल स्टोर पे. मैंने सोचा कुछ ले ही लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा. पहले तो चिप्स लेते हैं थोड़े एंड बाकी सब कुछ भी. और गाइस शाम हो गई है एंड हम निकलने ही वाले हैं. The next morning. Assalamualaikum and guys, ये है व्लॉग का सेकेंड डे. आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक. आज ईद का मौका है. मिलते हैं नमाज के बाद, फिर देखते हैं दिन में क्या करेंगे. और गाइज मैं आ चुका हूँ घर बट स्टिल बारिश, क्या ही कर सकते हैं. तो गाइज फाइनली बारिश रुक गई है एंड जो इनिशियल काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं. अब मैं कपड़े कर लेता हूँ चेंज एंड गाइज मैंने कर लिए कपड़े चेंज. हमारे साथ है यहाँ पर रईस. गाइज मेरे ख्याल से मेरा हेयर स्टाइल ठीक नहीं है आज. अब थोड़ा काम है. मैं मेरे ख्याल से अब कल इसको सही कराता हूँ. कल सुबह इंशाल्लाह कराएंगे इसको सही. रईस क्या लग रहा है आपको? पैसा बर्बाद. ये क्या कह दिया? 2000 years later. वालेकुम सलाम. अब फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इदरीस भैया. हम इनके साथ आगे निकलते हैं एंड आपको बाकी की स्टोरी आगे बताएंगे. तो गाइस हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. मेरे साथ है द वन एंड ओनली जालसाज, ठगबाज, कुछ भी बताए धोखेबाज इदरीस भैया, अका इदरीस मलिक. और बताइए क्या नज़ारे हैं यहाँ से. माशाल्लाह मैंने सोचा यहाँ आए एंड आपको भी ये जगह दिखाए. और यहाँ पर थोड़ी साइलेंस है और साइलेंस में बात करने में मज़ा आता है जब साइलेंस में बात करें. गाइज ईद का जो व्लॉग था वो ईद के दिन नहीं आ पाया था क्योंकि आपको पता ही है बारिश गिर रही थी. बारिश की वजह से ईद का व्लॉग उस दिन नहीं आ पाया एंड इदरीस भाई भी उस दिन मेरे पास नहीं आए. मैंने सोचा अब थोड़ा छोटा ही व्लॉग डालते हैं और थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा एंड आई वॉज अनएबल टू शूट एवरीथिंग. तो इदरीस भाई क्या कहना चाहते हैं? इदरीस भाई जालसाज है, आप कमेंट्स में बताइए इनके बारे में. और वन मोर थिंग, इंशाल्लाह व्लॉग आते रहेंगे. बहुत सारे काम भी होते हैं लाइफ में, कभी कंटिन्यू कर नहीं पाता इंसान. और मैं सोच रहा था कि मैं रिनोवेट करूं रूम. क्या बोलते हैं इदरीस भाई, कराए? तब तक आपको मेरे ख्याल से मेरे रूम से व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं मिलेगी. अब मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी अच्छे वीडियो में. तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग फी अमानिल्लाह.